हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग एक बार फिर से एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए जो आपका एडवांस कम्युनिकेशन है उसमें हम लोग ओवरऑल ए टू जेड जो अपना जो था सिलेबस वो कवर कर चुके थे। एक थर्ड यूनिट में शायद सेटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन दिया हुआ था तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। तो चलिए ये उसके बारे में कुछ जानते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस एंड इसके एडवांटेज क्या है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से पिछले सेमेस्टर में मतलब कि पिछले ईयर वाले में सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम में दो क्वेश्चन आया था और दोनों छह नंबर में आया था। एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? तो वो क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ इज पिन डायोड यूज्ड एज ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर के जैसे ये पिन डायोड कैसे यूज होता है, ये आया था। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आया था कि राइट द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो आगे ये पिन डायोड का वर्किंग प्रोसेस वगैरह ये सब आप लोगों ने सिक्स सेमेस्टर के माइक्रोवेव में एक सेमी कंडक्टर फिजिक्स करके या सेमी कंडक्टर डिवाइस करके एक माइक्रोवेव वाले में सेमी कंडक्टर डायोड एक यूनिट है, शायद उसमें आप लोग को पिन डायोड और भी जितने टाइप के डायोड्स हैं उनके बारे में पूरा फुल्ली वर्किंग और उसके थ्योरी उसके प्रिंसिपल्स वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आखिर ये है क्या और कैसे पिन डायोड का यूज हम लोग ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह करते हैं या फिर ऑप्टिकल सोर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो के हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे चार नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं और छह नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है क्या। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को कि जो भी इसका जो भी होता है मतलब कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले जो उसका मतलब उसका नेम जो होता है नेम में ही पूरा का पूरा उस टॉपिक का निचोड़ छिपा हुआ रहता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है क्या इसको समझने के लिए हम इसके नेम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच वन इंफॉर्मेशन इज सेंड एंड रिसीव वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या है? तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट सेंड या रिसीव करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब तो समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सेंड या रिसीव करते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग क्या करें, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। चलिए आइए इसको हम लोग एक डायग्राम के मदद से अच्छे से समझते हैं कि कैसे किसी इंफॉर्मेशन को एक ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग क्या कर पाते हैं, सेंड और रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को ही शॉर्ट में ओएफसी लिखा हुआ है। तो ओएफसी सिस्टम यूजेस ऑप्टिकल फाइबर। ये सिस्टम किसका यूज करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है एज ए फिजिकल गाइडेड मीडिया बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। आप लोगों ने फोर्थ सेम में पढ़ा होगा एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड साउंड इंजीनियरिंग, ऐसा करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था क्या, अभी भी है और आप लोगों ने पढ़ा भी है। और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक के ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उसमें मैंने बताया था कि जो मीडिया होता है, कहने का मतलब जिसके थ्रू हम लोग करते हैं, तो वो मीडिया जो होता है वो दो टाइप के मीडिया होता है। चैनल क्या होता था? दो टाइप का होता था, एक होता था गाइडेड चैनल और एक होता था अनगाइडेड चैनल। गाइडेड चैनल के क्या होता था? तो गाइडेड चैनल के थ्रू किसी भी सिग्नल को हम लोग गाइड करता था, मतलब कोई ऐसा एक स्पेसिफिक होता था जो कि गाइड करता था सिग्नल को कि आपको इसी के थ्रू जाना है, जैसे किसी कोएक्सियल वायर के हेल्प से, किसी वेव गाइड के हेल्प से हम लोग यूज कर रहे थे। तो वो जो वेव गाइड हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, या फिर ऑप्टिकल फाइबर का भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सेंड रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या है, एक गाइडेड मीडिया की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को
ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सेंड या रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल फाइबर इज वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे ये काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है, और इसमें जो लॉसेस होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। कहने का मतलब इसको ना के बराबर लॉसेस के कारण ही इसका हम लोग वाइडली रूप में हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज तो गांव-गांव में जो है गांव में भी आज क्या किया जा रहा है, तो ई पंचायत डेवलप किया जा रहा है, और उस ई पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वहां पे इंटरनेट की सुविधाएं मौजूद हो सके। ये जो हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है आपका क्या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारा क्या है तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल और इन्फॉर्मेशन सिग्नल, जिसको हमको क्या करना है ट्रांसमिट करना है। उसके बाद है हमारा लाइट सोर्स, और उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद है फोटो डिटेक्टर, और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है जिसको हमको ट्रांसमिट करना है, वो जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है उसी में हमारा क्या हो रहेगा इन्फॉर्मेशन रहेगा, वही इन्फॉर्मेशन को हमको क्या करना है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, दोनों में से कोई काम भी हो सकता है। देखिए तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, और ऑप्टिकल फाइबर इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो फाइबर का बना हुआ रहता है और इसके अंदर जो फ्लो करता है वो क्या करता है वो ऑप्टिकल सिग्नल ही फ्लो करता है, ऑप्टिकल सिग्नल ही फ्लो करना करता है। कहने का मतलब वैसा सिग्नल जो कि लाइट के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकल सिग्नल कहते हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर फाइबर का बना होता है और इसमें सिर्फ लाइट के फॉर्म वाला ही सिग्नल या फिर ऑप्टिकल सिग्नल ही फ्लो करता है। तो इसको इसके अंदर इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको फ्लो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है या इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो किस टाइप में है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है, तो हमको एक ऐसा लाइट सोर्स की आवश्यकता पड़ेगा जो क्या करे इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, और इस वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग लाइट सोर्स के जैसे हम लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो एलईडी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर लेजर डायोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलईडी और लेजर डायोड क्या करता है तो लाइट सोर्स के तरह वर्क करता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा इनमें से कौन सा है जो कि लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है या फिर यूज करता है, आपको ए में दिया हुआ रहेगा एलईडी, बी में दिया हुआ रहेगा लेजर डायोड, सी में दिया हुआ रहेगा बोथ ए एंड बी, एंड डी में दिया हुआ रहेगा नन ऑफ दीज। तो यहां से आप लोग ये समझ सकते हैं क्या कौन कोई ऐसा मतलब कि डायोड जो क्या करे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल भी कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लाइट सोर्स या फिर यहाँ पे ऑप्टिकल सोर्स भी कह सकते हैं। तो कहीं कहीं पे आपको डायग्राम में ऑप्टिकल सोर्स भी मिल जाए तो आपको इसे हड़बड़ाना नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है इस लाइट सोर्स की मदद से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं कहाँ हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल में, और ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके किसको दे दिया जा रहा है तो इस ऑप्टिकल फाइबर को दे दिया जा रहा है। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, और इस पद्धति के द्वारा क्या करता है ये सिग्नल को मतलब कि वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में मदद करता है, दूसरे तरफ ट्रांसमिट रिसीविंग एंड के तरफ क्या होगा अब हमको जरूरत है क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर से हमको क्या मिल रहा है तो ऑप्टिकल सिग्नल मिल रहा है, कहने का मतलब लाइट के फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा तो एक फोटो डिटेक्टर लगाना पड़ेगा जो क्या करे उस ऑप्टिकल वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फोटो डिटेक्टर की तरह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं तो फोटो डायोड का यूज कर लेते हैं, पिन डायोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनता है क्या कि हम लोग फोटो डिटेक्टर की तरह किस वाले का यूज करते हैं, तो आपको ऑप्शन में रहेगा फोटो डायोड, पिन डायोड, इनमें से मतलब कि सी में रहेगा बोथ ए एंड बी, ऑन डी में रहेगा नन ऑफ दिस। तो यहां से आपको ये क्वेश्चंस बन जाता है।
तो ये हो गया फोटोडायोड पिन डायोड। इसके बाद इसमें क्या है क्वेश्चंस बन जाता है कि ये जो हमारा ये देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चंस है, पिछले साल 2020 में जो एग्जाम हुआ उसमें ये 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ इज पिन डायोड यूज्ड एज ऑप्टिकल डिटेक्टर। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर का क्या काम, ऑप्टिकल डिटेक्टर का काम जो ऑप्टिकल फाइबर से जो ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है उसको डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करके उसको क्या करेगा उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क करेगा। तो इस तरह से हमको फाइनली जो रिजल्ट होता है वो क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के हेल्प से किसी सिग्नल को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए पिन डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह ये सब क्या है डिटेल में जानने के लिए आप लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक क्या तो सेमीकंडक्टर डायोड या माइक्रोवेव डायोड के नाम से एक यूनिट है, उसमें आपको सारे लेजर डायोड हो जाए या एलईडी हो जाए, पिन डायोड या फोटो डायोड, इन सारे के बारे में फंक्शन वाइज ए टू जेड डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें आप लोग ये यहाँ पे इस वाले फोटो ऑप्टिकल डिटेक्टर का फॉर्म आप समझ गए इसका क्या काम है, तो इसको लाइट वाले को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का। और ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो पिन डायोड का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये कैसे वर्क कर रहा है इसको एक्सप्लेन करना, या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है और इसको कैसे ये एक इंफॉर्मेशन को दूसरे वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे सेंड या रिसीव कर देता है। देखिए इससे एक और क्वेश्चन 6 नंबर में इसी के और में क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले ही ईयर में, क्या आप क्वेश्चन पूछा था, तो राइट द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो चलिए ये हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेज जिसके कारण से आज हम लोग वाइडली यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। तो चलिए ये जानते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन 6 नंबर में पिछले साल पूछा गया है, पिछले साल के 6 सेमेस्टर के एग्जाम में ये पूछा गया है एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये चलिए ये जानते हैं इसके कुछ एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, तो ये सबसे पहला एडवांटेज है कि ये क्या है वाइड बैंडविड्थ है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या है वाइड है। कहने का मतलब इसके बैंडविड्थ वाइड होने के वजह से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन को एट ए टाइम सेंड कर सकते हैं। तो ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो लगभग ये होता है 2 × 10^12 हर्ट्ज से लेकर के 3.7 × 10^12 हर्ट्ज तक होता है। देखिए इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है इसके कारण से इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज इसका हाई है, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होने के कारण से, वाइड बैंडविड्थ होने के कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के हेल्प से एट ए टाइम में मोर इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, वो भी लेस एटेन्यूएशन पे। ये भी इसका एक एडवांटेज है। लो लॉसेस इसमें क्या है, इसके बैंडविड्थ भी हाई है, इसमें लॉसेस भी लो है, और लो लॉसेस पे हम लोग इसमें क्या कर पाते हैं कोई भी सिग्नल को, कोई भी इंफॉर्मेशन को वन टू अदर पॉइंट सेंड कर पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के वॉल्स ऑफर वेरी लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, इसमें जो सिग्नल का एटेन्यूएशन होता है, कहने का मतलब लॉस जो होता है वो क्या होता है वेरी लेस होता है, ना के बराबर, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रेवल कराने के साथ साथ कम से कम ये लेस देन 1 dB होता है 1 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो ये लेस देन 1 dB, 1 dB से भी कम लॉसेस होता है 1 किलोमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करने पे। देखिए ये क्या है इम्यून क्रॉस टॉकिंग, इसमें क्रॉस टॉकिंग को क्या कर नहीं होने देता है, कहने का मतलब इस क्रॉस टॉकिंग से हमें बचाता है। फिर है इम्यून इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता, दो सिग्नल को एक साथ इंटरफेरेंस इसमें नहीं हो पाता है। देखिए लाइट वेट, ये क्या होता है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। कैसे हल्के होते हैं, तो देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो बनता है क्या सिलिका से या फिर फाइबर से, तो ये सब क्या है नॉन मेटल है, और ये मेटल के तुलना में जैसे कॉपर हो गया, फिर आपका सिल्वर हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, इसके तुलना में ये क्या होता है बहुत ही हल्के होते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। ये क्या होता है स्मॉल साइज का होता है, ये स्मॉल साइज का कैसे होता है तो मैं बता दूं,
ये जो हमारे बाल है बाल से भी पतले पतले रेसेस से के होते हैं और ये रेसे बहुत ही स्मॉल होते हैं जिसके कारण से इसके डायमीटर बहुत कम होता है, जिसके कारण से इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और स्मॉल साइज होने के कारण से ये भी एक एडवांटेज है। इसको आसानी से हम लोग कहीं पे ले जा सकते हैं, कहीं पे इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये सारा इसका एडवांटेज है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है तो इस वाले जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में कोई सिग्नल को अगर हम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, टैपिंग नहीं किया जा सकता। टैपिंग कहने का मतलब उसको टैप नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, सिग्नल को रेडिएट नहीं किया जाता है, तो जिसके कारण से ये बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको टैपिंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, डिफेंस सेक्टर में इसका भी यूज कर लिया जाता है। देखिए, फाइबर केबल्स आर मोर सिक्योर देन अदर केबल, इट इम्पॉसिबल टू टैप इन द फाइबर केबल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टैप नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्नल को रेडिएट नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग टैप नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इसमें वेरी लो लॉसेस होते हैं जिसके कारण से इसमें सिग्नल को हम लोग क्या कर पाते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं, वो भी आसानी वे में। देखिए, इसमें सेफ एंड इजी इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए कोई ये जो नॉन मेटल से बने होते हैं, सिलिका क्या है, फिर आपका फाइबर क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने के कारण से, इंसुलेटर होने के कारण से, इसमें किसी तरह का ऐसे भी ये नॉन मेटल होने के कारण से हल्के भी होते हैं, और हल्के होने के साथ साथ इसमें ना तो कोई वोल्टेज करंट वगैरह शॉक का भी कोई डर नहीं होता है, कि बाय चांस अगर किसी तरह से लाइन आ गया भी तो इसमें वैसा दुर्घटना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल होते हैं, इसमें कोई बिजली का झटका नहीं लगता, तो इस तरह से ये इजी है इंस्टॉल करने में और सेफ भी है। ठीक है, देखिए ये नॉन मेटल के होते हैं और जो कि हमारे यहाँ बहुत इजीली पे में मिला अवेलेबल है, जिसके कारण से ये लो कॉस्ट होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने लाने में भी कम खर्चा पड़ता है, तो ये लो कॉस्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये 6 नंबर में पिछले साल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ एक क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में या शॉर्ट नोट में आपको पूछ देगा कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस। तो चलिए ये हम लोग जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस के बारे में। तो चलिए ये हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस। ये हमेशा क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन या फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऐसा करके एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए ये जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी डेटा को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड या रिसीव करते हैं। वो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कहने का मतलब ओवरऑल डेटा का कम्युनिकेशन करने में, मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेंड करने में। इसको हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। हम लोग अभी अभी देखे हैं इसके एडवांटेज में, ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल लो लॉसेस पे कराता है, तो इसलिए इसका हम लोग यूज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं। डिफेंस सेक्टर में अप्लीकेशन इसका करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये टैपिंग नहीं हो सकता है, इस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उसको टैपिंग नहीं किया जा सकता है, जिसके पर्पज से हाई सिक्योरिटी अलर्ट के कारण से इसको हम लोग डिफेंस में कम्युनिकेशन पर्पज से यूज करते हैं। साथ साथ हम लोग क्या जानते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या होता है, लाइट के फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसका यूज ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग यहाँ पे नाइट विजन के रूप में भी करते हैं। कम्युनिकेशन पर्पज से भी डिफेंस में इसका यूज किया जाता है, नाइट विजन रात को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है लेजर इंस्ट्रूमेशन। लेजर क्या है, तो लेजर एक आपका डायोड है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्किट वगैरह या इंस्ट्रूमेशन कोई चीज का बनाने के लिए उसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या फिर वीडियो टेलीफोनी हो गया, ये सब प्रोसेस, मतलब कि
डिजिटल नेटवर्क वगैरह ये सब में ISDN आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड IS इंटीग्रेटेड सर्किट सर्विस डिजिटल नेटवर्क करके होता था ISDN, इस तरह से जो कि हम लोगों ने रेडियो एंड टेलीकोम्युनिकेशन में पढ़ा था ISDN के बारे में। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे उसके मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो टेलीफोनी, तो ये सारा सर्किट ये जो नेटवर्क कनेक्ट करने का ये वर्क है उसमें हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद है स्विच्ड बोर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्विच बोर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी हम लोग क्या कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोगों ने देखा होगा घरों में एक सजावटी गुलदस्ता टाइप का होता था उसमें क्या होता था बैटरी लगा हुआ होता था, उसको ऑन कर देते थे, पतले पतले सफेद सफेद रेसे टाइप के होते थे कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे सफेद सफेद रेसे टाइप के होते थे और जैसे ही लाइट ऑन करते थे ये सारा सब चमकने लगता था। तो वो क्या था, वो भी एक ऑप्टिकल फाइबर ही था। तो इसको हम लोग लाइट वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सजावटी वगैरह ये सब पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज और एप्लीकेशन, ये तीनों टॉपिक्स जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने कॉपी में मेंशन भी कर लीजिएगा और जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपको एक दो पॉइंट्स बताए हैं वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।